सो हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे पीछे हैं अभिनव कृष्ण एके डॉग डैडी विद आवर वेरी ओन बुली ओवर हियर। आज का जो बेसिकली ऑस्कर, हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमारे पास है आज एक पिटबुल अमेरिकन बुली मिक्स। और आज है हमारे साथ ऑस्कर, जिसकी एज अराउंड 4-4.5 साल के आसपास की है, जो कि अभिनव भैया के पास ट्रेनिंग के लिए आया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि पिटबुल या फिर अमेरिकन बुली जो डॉग ब्रीड्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और खूंखार होती है और लोगों को जो है उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊँ तो मैं ऑस्कर से आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और ऑस्कर ने मेरे से पहले कभी मुलाकात नहीं की है। लेकिन इस डॉग का अगर आप टेम्परमेंट देखें, जिसके बारे में अभिनव भैया बताएंगे कि कैसा है ये डॉग, कितनी बार अभिनव भैया इसको ट्रेन कर चुके हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और पिटबुल या अमेरिकन बुली क्या सही में डेंजरस होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आप एक पिटबुल या अमेरिकन बुली लेने का सोच रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभिनव भैया अब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ऑस्कर के बारे में भी कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे जो कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है। वेल गाइज, आज हमारे साथ ऑस्कर है यहाँ पे, एंड ऑस्कर जो है एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, दो ही केम फॉर ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट पर्पस डैट हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा डॉग है जो किसी पे अटैक नहीं करता, कुछ नहीं करता, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। एंड आप देख सकते हैं कान भी पीछे इसके। अगर आप इस जैसा डॉग अपने पास रखते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जो डॉग होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज मांगते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये डॉग ब्रीड की सांस बहुत जल्दी फूलती है। तो आपको और एक चीज़ बताओ बिना भैया कि इनके सांस फूलने का मेन रीज़न क्या है? इनके सांस फूलने का मेन रीज़न है इनका हैवी वेट, हैवी मसल और इनकी चपटी नाक। क्योंकि जितनी इनकी चपटी नाक होगी उतना इन्हें सांस लेने में दिक्कत होगा। अब जैसे ऑस्कर है, ऑस्कर की नाक ठीक है लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। आप देख रहे हो ये अपनी पूंछ हिला रहा है अभी, और साथ के साथ इसका हेड देख रहे हो, हेड इज़ क्वाइट बिग। लेकिन हम लोग यही चीज़ देखते हैं कितना बड़ा साइज है क्या है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल एबिलिटीज़ की बात करूँ, उनका स्टैमिना इन बुलीज के कंपेयर में बहुत अच्छा होता है। एक्चुअल में हमने अभी स्नाउट की बात की और अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में बात की, तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर का स्नाउट जो है आई थिंक अमेरिकन बुली से थोड़ा ज़्यादा नैरो होता है। नैरो होता है, इससे छोटा होता है, सिमिलर ही होता है लेकिन छोटा और नैरो होता है। छोटा और नैरो होता है जिससे उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज नहीं होते और लीन मसल में आते हैं, लीन मसल में आते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर। और अमेरिकन बुली जो होते हैं वो थोड़े मस्कुलर और हैवी वेट में आते हैं। बेसिकली ये बात है कि एक क्रॉसफिट करने वाला और एक जिम जाने के वाले के स्टैमिना में आप अगर कंपेयर करो तो क्रॉसफिट वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा स्टैमिना ग्रो करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभिनव भैया मुझे ये बताइए कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर की तो हमारी हिस्ट्री पता है कि लोगों को कि फाइटिंग डॉग्स के तौर पे ही ब्रीड किए गए थे अमेरिकन पिटबुल टेरियर, लेकिन अमेरिकन बुली की हिस्ट्री क्या है ये भी लोगों को पता होना चाहिए कोई भी बुली डॉग लेने से पहले। कोई बुली डॉग लेने से पहले हिस्ट्री हमारे इंडिया में तो प्योर बुलीज बहुत कम है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इनकी अगर हिस्ट्री की बात करूँ, ये लोग अमेरिका से ही ब्रीड हुए थे। एक शांत टेम्परामेंट वाला डॉग चाहिए था लोगों को जो कि जैसे अमेरिकन पिटबुल टेरियर की जगह ले सके, राइट? ले सके। एंड वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्कर जो है उसका माइंडसेट कितना काम है, इज़ मच रिलैक्स्ड। आपको देख रहा है, कैमरे को भी शेक मतलब हेलो बोल रहा है अपनी पूछ हिला के, है ना ऑस्की, गुड बॉय, चलो कम ऑन। और उसकी आंखें आप देख सकते हो कितने मासूम है, आराम से बैठ के देख रहा है सब चीज़ें। लेकिन नहीं, कई ऐसे डॉग ओनर्स है, मतलब डॉग ओनर्स क्या, जो डॉग प्रेमी है उनको लग सकता है कि ये डॉग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज ऑब्वियसली इसका हेड साइज़ अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, इसका अगर आप हेड साइज़ देखें, ऑस्कर हेड साइज़ देखें और इसका जो है स्ट्रक्चर देखें, बॉडी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसे देख के ऐसे ही लगेगा ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कुछ भी है। और ये कैमरा को देखिए, कुछ ज़्यादा ही कैमरा फ्रेंडली है,
इज लाइक कि यार मेरा व्लॉग बन रहा है तो मुझे अपने व्लॉग के अंदर आना है ना, रील बनाने वाला डॉग ही, रील बनाने वाला डॉग। तो हाँ, जैसे कि बात कर रहे थे इसकी, अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, इसे देख के लग सकता है बहुत से डॉग ओनर्स को या फिर डॉग लवर्स को कि हाँ ये डॉग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बट एज यू गाइस कैन सी ये हमारे जूजू की तरह है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें उस एक लैबराडोर जैसी फ्रेंडली इंस्टिंक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज एक डॉग में जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? राइट। लेकिन आज तू पहली बार मिला आदि, और पहली बार मिलने के बाद कैसा लगा? हाँ, मैं इस डॉग से पहली बार मिला हूँ और पहली बार मुझे मिल के ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये डॉग अच्छा टेम्परमेंट वाला है और हाँ लोगों से अच्छे तरीके से घुल मिल भी सकता है। लेकिन इसमें ओनरशिप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप कोई भी डॉग ब्रीड ले लो, चाहे वो लैब्राडोर हो या फिर गोल्डन रिट्रीवर हो या फिर जर्मन शेपर्ड हो या फिर अमेरिकन बुली या फिर पिटबुल टेरियर ही क्यों ना हो, जब तक ओनरशिप सही नहीं होती, आप अपने डॉग को अच्छे से सोशलाइज नहीं करते, लोगों से नहीं मिलवाते, तो एट सम पॉइंट कुछ एज के बाद, सपोज़ 6 महीने के बाद जब उसका पपीहुड ख़त्म होने लगता है, तो वो डॉग धीरे धीरे टेम्परमेंटल इशूज़ उसमें आने लगते हैं, राइट? एग्रेसिव होने लगता है डॉग। अब इसको धीरे धीरे वॉक्स पे इंडल्ज करते हुए इसका स्टैमिना इंक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी जल्दी हमने क्रेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, एंड विल मेक श्योर दैट दिस डॉग बिकम्स मोर काम, मोर रिलैक्स्ड, ज़्यादा अच्छी तरह क्रेट में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई बंदा जो है अमेरिकन बुली रखता है, ये बेसिकली मिक्स ही है अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुली का, लेकिन नहीं, मैं एक चीज़ इंटरप्ट करूँगा आदि। हाँ हाँ, हम लोग मिक्स बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये एक स्टैंडर्ड अमेरिकन बुली है। अच्छा, लोग इसे ही अमेरिकन बुली मानते हैं इंडिया में। इंडिया में ये अमेरिकन बुली है, सो अगर हम मिक्स बोलेंगे तो लोग कहेंगे यार मेरे पास भी यही है, फिर वो लोग बोलेंगे यार ये तो मिक्स कुत्ता उठा लाया मैं। नहीं, बेसिकली अगर आप अमेरिकन पिटबुल टेरियर लें या फिर बुल टेरियर लें या फिर अमेरिकन बुली लें, सारे ये जो डॉग ब्रीड्स है ये पिटबुल की कैटेगरी में ही आते हैं, पिटबुल डॉग्स की ही कैटेगरी में आते हैं, राइट? पिटबुल डॉग्स, बहुत, हाँ, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर बोल दिया या फिर बुली बोल दिया। एक सॉरी टू इंटरप्ट, आप देखो हमने इसे ज़्यादा वॉक नहीं करवाया है, मुश्किल से आधा किलोमीटर वॉक कराया होगा। हाँ, और इसका देखो पैंटिंग कितना स्टार्ट हो चुका है, एंड टेम्परेचर भी अभी अच्छा खासा ठंडा है, एंड स्टिल ये डॉग को ब्रीथ होने में प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस, इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर हम डॉग लेते हैं तो उसका माइंडसेट और उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना? उसकी ऑस्कर इज अ गुड बॉय। ऑस्कर एक गुड बॉय ही है, ऑस्कर। सो अगर आप लोगों के पास अपने अमेरिकन बुलीज हैं और पिटबुल सकते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं एट डॉग डैडी ऑन इंस्टाग्राम और जूजू रोमियो में, और साथ में भेज सकते हैं वहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन से अमेरिकन बुलीज हैं, कौन कौन से APBTs हैं, और कितने किसकी लाइनेज ज़्यादा अच्छी है और कौन सी लाइनेज इंडिया में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भेजिए, हम लोग देखेंगे और जो पिक्चर्स हमें अच्छी लगेंगी हो सकता है हम उनसे शेयर भी करें। हाँ, आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास अमेरिकन बुली पिटबुल टेरियर है उसकी डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर, जैसे मैं बता रहा था कि पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर और अमेरिकन बुली, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, पिटबुल की कैटेगरी में जिसे बोला जाता है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर अलग है, पिटबुल एक डॉग कैटेगरी है जिसमें कई सारी डॉग ब्रीड्स आती है, जिसमें अमेरिकन बुली भी शामिल है। ऑस्कर, गुड बॉय। सो अभी हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों के मैसेजेस का वेट करेंगे कि आपके पास कौन कौन से बुलीज हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अमेरिकन बुली से रिलेटेड, पिटबुल से रिलेटेड या फिर कोई भी डॉग ब्रीड से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे और ऐसी डॉग वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग डॉग ब्रीड्स के साथ। और काफ़ी अच्छा डॉग है ये। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो अभिनव भैया का नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जैसे कि बताया कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।